जब दूरबीन की खोज भी नहीं हुई थी, तब गैलीलियो जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, वो दिन में सभी ग्रहों की गति और उनकी स्थिति को जमीन पर चित्रित करते रहते थे और अनगिनत कल्पनाओं में खोए रहते थे। 1609 में उन्हें एक ऐसे दूरबीन का पता चला जिसका आविष्कार हॉलैंड में हुआ था। इस दूरबीन की सहायता से दूर दराज के ग्रहों को देखकर उनकी गति का अध्ययन किया जा सकता था। जब गैलीलियो ने इसके बारे में सुना तो उनके दिन और रात की नींद उड़ गई। वो हर वक्त उस दूरबीन के बारे में सोचते रहते थे कि काश ऐसी दूरबीन मेरे पास भी होता। लेकिन उसे हॉलैंड से मंगवाना कोई छोटी बात नहीं थी। फिर उन्होंने इस दूरबीन के निर्माण की प्रक्रिया को समझा और अपनी खुद की ही दूरबीन बनाने में जुट गए। एक चश्मे की दुकान से उन्होंने 3 स्पाई ग्लास को खरीदा और उन्हें बड़ी फिनिशिंग से ग्राइंड करके दूरबीन में फिट किया। आखिरकार उन्होंने हॉलैंड में बनी दूरबीन से भी एडवांस 20 गुना पावरफुल दूरबीन बना ली। और जब उन्होंने आसमान में अपनी नजर घुमाई तो वह चकित रह गए। उन्होंने जुपिटर के चारों तरफ 4 मून्स को ऑर्बिट करते हुए देखा। ये दिन गैलीलियो की जिंदगी का सबसे खुशी से भरा दिन था। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो जरूर करें।